पर युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच पोलैंड से बड़ी खबर। पोलैंड ने शुरू की संभावित युद्ध की तैयारियां। विजुअल्स के साथ, पोलैंड में चिन्हित किए गए 62,000 शेल्टर हाउस। युद्ध के दौरान करीब 13 लाख लोग ले सकते हैं शरण। पर महायुद्ध के आसार, पोलैंड में तैयारी शुरू। मैं विष्णु सर के पास आने वाला हूं इस खबर को लेकर। सीधे आइए बिग बॉल पर। यहां पर आप, रूस यूक्रेन के बढ़ते युद्ध के बाद नेटो देशों ने इमरजेंसी तैयारी शुरू कर दी है। प्ले ऑन करिए, रूस क्या तैयारी की है यहां पर दिखाइए। इमरजेंसी के लिए पोलैंड में 62,000 शेल्टर हाउस चिन्हित किए गए हैं। क्या हो रहा है, मतलब कुछ तो पक रहा है वहां पर। इमरजेंसी के लिए पोलैंड में 62,000 शेल्टर हाउस चिन्हित किए गए। पोलैंड में 62,000 शेल्टर हाउस हैं जिनकी क्षमता 13 लाख लोगों की है, उनको एकोमोडेट करने की है। शेल्टर हाउस में पोलैंड की कुल आबादी के केवल 3.4% लोग ही शरण ले सकते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर पोलैंड से, वो आ रही है। पोलैंड के पास नेटो के आधुनिक हथियार, लुकाशेंको ने कहा। विजुअल्स के साथ, लुकाशेंको का पूरा बयान दिखाएंगे 4060 में। विजुअल्स के साथ, ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 4060 में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बड़ा बयान। बेलारूस को पोलैंड से सावधान रहने की जरूरत। पोलैंड की सेना बेलारूस की सीमा पर तैनात। 4060 में लीजिए प्लीज। लुकाशेंको ने कहा, पोलैंड ने यूक्रेन को सोवियत टाइम के पुराने हथियार दिए। लुकाशेंको ये तक कह रहे हैं कि ये सारे हथियार, ये सब जा सकते हैं कहां पर, ये सब जा सकते हैं वहां पर, ये जा सकते हैं सीधे पोलैंड। बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। पोलैंड ने बेलारूस में अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। पोलैंड ने अपने नागरिकों से जल्द की बेलारूस छोड़ने की अपील। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़ते तनाव की वजह से बेलारूस छोड़ देना चाहिए, पोलैंड ने कहा। जैसे भी मुमकिन हो बेलारूस जल्द छोड़े, पोलैंड ने कहा। ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट में लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सीधे आपको दिखाना चाह रहा हूं। आइए हमारे दर्शक, जो ये देखिए पोलैंड का मैप, मेरे जो कैमरा पर्सन है मैं उनसे कहूंगा इसको जूम इन करें। ये देखिए पोलैंड बेलारूस में बड़ा तनाव। यहां पर ये है पोलैंड, यहां पर आपको पोलैंड दिखाई दे रहा है, यहां पर है यूक्रेन जो कि यह पूरा एक्सटेंड करता है यहां तक, क्योंकि इसका जो ये पूरा यूक्रेन यहां से यहां तक जो एक्सटेंड करता है, यही एक सबसे बड़ी चुनौती होती है दुनिया की फोर्सेस के लिए। पोलैंड से ठीक सटा हुआ यहां पर है बेलारूस। ये देखिए, ये है बेलारूस, ये आपको ग्रीन कलर का बेलारूस दिखाई दे रहा है। बेलारूस रूस को भी टच करता है, पोलैंड को भी टच करता है और यूक्रेन को भी टच करता है। बताया जा रहा है कि बेलारूस से यूक्रेन की तरफ फौजें भेजी जा सकती हैं। यह भी एक एनालिसिस है कि रूस बेलारूस का इस्तेमाल करके पोलैंड के यहां पर इलाकों में जहां से सप्लाई चल रही है यूक्रेन को, उन पर अटैक कर सकता है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ विष्णु सर मौजूद हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट को लेकर विष्णु सर, क्या ऐसा लग रहा है कि पोलैंड और बेलारूस में अब एक नया फ्रंट खुल रहा है, या यह तनाव कभी भी एक फायर में बदल जाए, क्योंकि स्पार्क जो है वहां पर वो साफ दिखाई दे रही है। ये निशान जी कभी भी भड़क सकता है, क्योंकि लुकाशेंको एक तरह से प्रोटेजी हैं पुतिन के, प्रॉक्सी हैं पुतिन की, और बेलारूस वो करेगा या लुकाशेंको वो करेंगे जो पुतिन चाहते हैं। तो ये इस चीज़ को देखते हुए, और ये भी हकीकत है कि रशिया या पुतिन पोलैंड से बहुत नाराज हैं, क्योंकि पोलैंड ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रुख इख्तियार किया है अभी नहीं, शुरू से ही रशिया के खिलाफ, और वहां से जाहिर है सप्लाई आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो ये अगर भड़क जाते हैं, पर ये भी बात सही है कि हमको याद करना चाहिए कि बाइडेन ने क्या कहा है कि अगर किसी नेटो की धरती पे अटैक होता है तो पूरे नेटो पे अटैक माना जाएगा। You're right. तो उसका मतलब तो ये है कि अगर पोलैंड पे कुछ वार होता है तो फिर तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ ही रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक मोड होगा अगर ये आया तो। पॉइंट टेकन सर, लेकिन मैं यहाँ पर, क्या ये ऐसा कर सकता है रशिया, बड़ा सवाल है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।